में हुआ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस का आयोजन। बेंच हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल के सहयोग से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम सिंगले, तनवीर माजिद, साई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर खालिद जैसे कई शख्सियत मौजूद थे। आयोजन की सराहना करते हुए विधायक जिशान सिद्दीकी ने कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के आयोजन से आयोजन की तादाद में महिलाओं ने स्क्रीनिंग करवाई। इस अवसर पर उपस्थित साई हॉस्पिटल के अध्यक्ष खालिद ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और जांच करवाएं। कैंसर पॉजिटिव लोगों का इलाज भी हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन के तहत किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी के लिए कई सुविधाएं सरकार ने और संस्थाओं ने मुहैया करा रखी हैं, परंतु लोगों को जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। काफी डॉक्टर इसमें सहभागी थे, आप यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम, क्या करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब ने और एडवोकेट रुबीना रिजवी जी ने बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी है और डिटेक्शन भी है। मेरे ख्याल से लगभग 2000 लोग का कैंसर का डिटेक्शन वो लोग आए अपने इस कैंप में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट करे उतना अच्छा होता है, इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसके बाद लोकल एरियाज़ में भी जाएंगे, बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक पहुँचे और ये डिटेक्ट करें, उसके बाद जो उनकी ट्रीटमेंट भी होगी उस कई ट्रीटमेंट्स फ्री होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट्स इसमें डाले और इसको सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। कितना जरूरी इस तरह का नहीं, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। ये आज रिजवी कॉलेज में रुबीना मैडम और अख्तर रिजवी सर के कहने पे ये प्रोग्राम स्क्रीनिंग का हुआ, 2000 से ज़्यादा लोगों को किया गया, कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं। और इनका एक अरेंजमेंट ये है कि हेल्थ सेंट फाउंडेशन की तरफ से ये जो भी पॉजिटिव आए हैं सबका ट्रीटमेंट फ्री साई हॉस्पिटल में होगा। इस तरह का कार्यक्रम कहीं और स्लम एरिया में रखा जाए तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा? नहीं नहीं, उसका हमारा प्लान है करीब 10 से 15 जगहों पे करने के लिए, और वो एक एक करके हम हर महीने में 3 दिन का प्रोग्राम हर अलग अलग एरिया में करने वाले हैं। आज कुल कितनी डॉक्टर की टीम थी और कितने लोगों को चेकअप हुआ है, जिसे डिटेक्ट हुआ है? पूरा ये 6 दिन का प्रोग्राम चला, 6 दिन में करीब 3000 लोगों को स्क्रीन किया गया है। और अभी जो यहाँ पे डॉक्टर सब थे, सीए कैंसर के सर्जन थे, कीमोथेरेपी के थे, रेडिएशन वाले थे, कैंसर को जो जितने भी ट्रीट करने के लिए जो जो डॉक्टरों की ज़रूरत है हर टीम के लोग यहाँ मौजूद। क्या है, कैंसर के लिए सीएम फंड की तरफ से साई हॉस्पिटल में, साई हॉस्पिटल सीएम फंड पे इंक्लूड है, तो उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे। और बहुत सारी ट्रस्ट है जिसके थ्रू हम काम करके पेशेंट को कुछ भी पैसे की ज़रूरत का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। सर, किस किस संस्था द्वारा आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये रिजवी कॉलेज, रूमी फाउंडेशन, हेल्थ सेल, साई हॉस्पिटल, बेंच हॉस्पिटल ने मिलकर किया। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कैंसर के बारे में क्या मैसेज पहुंचाना? स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम अपना चेकअप करें, हर 6 महीने के अंदर के जो कुछ ब्लड टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है, कोई गांठ आए, कुछ भी आए, तो कम से कम अननेचुरल चीज़ें अगर जो भी होती हैं तो जाके किसी भी डॉक्टर को जो भी नियर बाय उसको दिखाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाना। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज तीन संस्थाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हेल्थ फाउंडेशन जो रिजवी साहब का है, रुबीना अख्तर रिजवी और अख्तर रिजवी साहब इसको चलाते हैं, उन्होंने हमको अप्रोच किया, साई हॉस्पिटल और बेंज हॉस्पिटल को, दोनों हॉस्पिटल ने मिलकर फिर इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे क्या है, लोगों को अवेयरनेस हुई कि कम से कम अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। कम से कम 2000 पेशेंट्स यहाँ पर आए और सबका डिटेक्शन हुआ, उसमें 2 पेशेंट का पॉजिटिव भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनका भी इलाज हम ऑपरेशन फ्री करने का प्लान कर रहे हैं। किस किस संस्थाओं द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया? हेल्थ फाउंडेशन, रिजवी कॉलेज, बेंज हॉस्पिटल और साई हॉस्पिटल। इस तरह का कार्यक्रम जो है स्लम एरिया में भी आयोजन होना चाहिए? नहीं, हमने प्लान किया है गोवंडी, धारावी, मुंब्रा, भिवंडी, कल्याण, वसई और जो भी स्लम एरियाज हैं वहाँ पर हमने प्लान किया है और साथ में मिलकर काम करेंगे। सर, आपके संस्था द्वारा जो इस तरह से कैंसर में बचाव होना चाहिए महिलाओं को, खास करके क्या ये करना चाहिए, संदेश देना चाहिए?
नहीं, महिलाएं जो है डे टू डे चेकअप वगैरह कराती रहें, डॉक्टर्स के पास जाने से डरे नहीं। ब्रेस्ट क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोग दिखाना नहीं चाहते, लेकिन इस चीज़ को दिखा मतलब चेकअप कराने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इन टर्म्स कैंसर का। एक प्रोवर्ब है दैट कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो उस हिसाब से ये है कि जितना जल्दी पकड़ा जा सके उतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उतनी सर्वाइवल अच्छी मिलती है, और उस लिहाज से कैंसर का जल्दी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और ये कैंप उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे जो मरीज़ हैं वो जल्दी पकड़े जा सके और उनका सही से इलाज कर सके। सर, कैंसर का नाम सुनते ही पब्लिक दहशत में आ जाती है, जनता तो उस पेशेंट को आप क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली वो पता नहीं, समहाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग अपनी जो मूवीज़ हैं ये वो देख के, या पास पड़ोस के, एक वक्त था जब लोग इसे डेथ सेंटेंस माना करते थे। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि नाउडेज इट इज़ नॉट दैट सेंटेंस एनी मोर। तकरीबन सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, अप टू स्टेज 3 तकरीबन मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वेरी स्मॉल पोर्शन, वेरी स्मॉल परसेंटेज वी लूज बिकॉज ऑफ द कैंसर, पर तकरीबन सारे मरीज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। सो वो जो फोबिया है वो लोगों के जहन से निकलना ज़रूरी है। उसके लिए जो अवेयरनेस कैंप्स आते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, ब्रेस्ट में लंप है, स्टिल दे कीप इग्नोरिंग के कोई तो सादी गांठ होगी, या फिर दे हैव दैट फोबिया इन द माइंड कि यार कहीं ये वो चीज़ ना निकले, तो उस हिसाब से घर पे बैठे रहते हैं। देन अदर आस्पेक्ट्स आर फाइनेंशियल इश्यूज़, कि मैं अगर ये पता चल जाए कैंसर है तो इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन, वेयर द पीपल डोंट नो दैट देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ ये इलाज फ्री में होता है, तो वो डर निकलना भी ज़रूरी है। भले से आप माली है हालत आपकी ठीक नहीं है, फिर भी इफ़ यू फील कि यू हैव सम लंप और कहीं कुछ है, तो आप घर से बाहर निकलें, उसका इलाज कराएं। हम डॉक्टर तनवीर अब्दुल मजीद, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल थोरेसिक HVB सर्जन, ट्रेन फ्रॉम टाटा मेमोरियल, लिवर ट्रांसप्लांट ट्रेंड इन सिंगापुर एंड थोरेसिक सर्जरी ट्रेंड इन टाटा मेमोरियल एंड एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी। मेरा मैसेज ये है कि कोई भी कैंसर इंडिया में जो आ रहे हैं वो एपिडेमिक के जैसा आ रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स डीले हो जाते हैं। डीले कहाँ होता है? डीले इस पेशेंट खुद निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं रहती है। बहुत बार पेशेंट्स जो नेटिव प्लेस या गांव से आते हैं वहाँ के लोकल डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी नहीं रहती है, तो उनको भी डायग्नोस करने में, मर्ज का पूरा पता लगाने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से बीमारी का स्टेज बढ़ जाता है, और जब वो आते हैं तो अबाउट 30-40% पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्जिकरी या क्योरेटिव इलाज की तरफ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए, पेशेंट्स को बताना चाहिए कि कोई भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रही है नेचुरल ओरिफाइस से, आवाज़ बदल गई है, वज़न कम हो गया है, कोई ज़ख़म है जो भर नहीं रहा है, तो तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जाके वो सलाह लें। सेकेंड थिंग, अवेयरनेस कैम्प करना चाहिए। बहुत सारी संस्था जुड़ चुकी हैं जो लोग स्क्रीनिंग कैम्प कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर में तो ऐसा होता है कि कैंसर नहीं हुआ है वो स्टेज में भी डिटेक्ट हो जाता है, तो उससे उसका इलाज मुकम्मल हो जाता है और कैंसर का इंसिडेंस भी हम उसकी वजह से कम कर पाते हैं, अगर स्क्रीन डिटेक्टेड प्री कैंसरस चेंजेस हैं तो। तो मेरा मैसेज सब लोगों के लिए ये है, डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़रा भी शंका है तो लोकल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या कोई भी कैंसर सेंटर से संपर्क करना चाहिए जहां स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट दोनों होता है। इससे
भारत का कैंसर लोड बहुत कम हो जाएगा और सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।